true. And true. The way they like, hey, let's look what I'm having. Okay, so two things करते हैं अभी. First of all, I'm going to start with this ball circle. ठीक है, इसको double click करके मैंने इसका stroke delete कर दिया यहाँ पर. ठीक है, अभी ये मेरे पास एक circle है और let's say कि मैं इसका सीधा flash में काम कर रहा हूँ. हाँ, सीधा flash में काम कर रहा हूँ. अभी मैं illustrator से नहीं लेके आ रहा हूँ कुछ भी, क्योंकि flash में भी होती है design. जी, है ना, डिपेंड ये करता है कि हम किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं. इलस्ट्रेटर से डिज़ाइन करके फ्लैश में ला सकते हैं और सीधा फ्लैश में भी डिज़ाइन करते हैं, दोनों ही तरीके होते हैं. तो आज मैं डिज़ाइन एंड एनिमेशन कम्प्लीटली फ्लैश में आपको एक छोटा सा करके दिखाऊंगा. ठीक है, फिर वर्क फ्लो पर हम लंच के बाद जाएंगे. ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको टाइम लाइन का कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें क्लियर होगा आज. ठीक, ये मेरा मेन एम रहेगा. कोई नहीं, आप इसको तो देख लो, तो ये रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो. ठीक है, तो आप हो जाएगा, ठीक रहेगा आपको. ठीक, सो ये मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया बेसिक इधर से ओवल टूल से, और शिफ्ट प्रेस करके आप एक परफेक्ट सर्कल बना सकते हो. जैसे इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में आप शिफ्ट प्रेस करते हैं तो परफेक्ट शेप बनती है. शिफ्ट प्रेस नहीं करोगे तो वो कुछ ओवल ऐसा बनेगा, डिस्टॉर्टेड बनेगा. तो अब मैंने क्या करा, ये पूरा का पूरा सेलेक्ट करा, और हमारे पास तीन बेसिकली मोड्स होते हैं. मैं यहाँ पे एक दूसरी लेयर ले लेता हूँ, उस पर मैं टाइप कर देता हूँ. सो वन इज रॉ डेटा, देख लो यहाँ पे. ठीक है, सो वन इज रॉ डेटा, देन द नेक्स्ट वन इज ग्रुप मोड. ठीक है, थर्ड होता है आपका ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड. ठीक है, फोर्थ होता है आपका सिंबल मोड. ठीक है, और सिंबल मोड के तीन सब हेड्स होते हैं. सिंबल तीन टाइप्स के होते हैं बेसिकली. सो वन इज योर मूवी क्लिप. ठीक है, अनदर वन इज बटन, एंड देयर इज अनदर वन विच इज कॉल्ड ग्राफिक सिंबल. ठीक है, तो ये बेसिकली चार भी नहीं बल्कि तीन ही है. ग्रुप मोड तो अभी बताऊंगा क्या होता है इसमें. ओके, सो लेट्स सी कि रॉ डेटा क्या है, इससे स्टार्ट करते हैं. सो मैंने जो ये शेप ड्रॉ करी थी, मैं जब इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, तो ये कुछ डॉट 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 पिक्सल से आ जाते हैं. पिक्सल्स हैं नहीं, वो बेसिकली ये फ्लैश का एनिमेट का सीसी का बताने का तरीका है कि दिस शेप इज सेलेक्टेड. ठीक है, ये सेलेक्टेड है, ये बताने का तरीका. ठीक है, सो इट्स नॉट लाइक कि वो पिक्सलेटेड है, बिकॉज दिस इज ऑल वेक्टर. जितना भी कुछ हम फ्लैश में काम कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, सब वेक्टर होता है. ठीक है, सो दिस मोड जैसा अभी मेरे को ये दिख रहा है, ये पहचान है रॉ डेटा की. अच्छा, फिर आते हैं ग्रुप मोड पे. तो मैं अगर इसी का एक कॉपी बना लेता हूँ ऑल्ट ड्रैग करके, और इसको मैं सेलेक्ट करके अभी कंट्रोल जी कर देता हूँ. ठीक है, तो ये हो गया ग्रुप मोड. ठीक है, अभी ये करेंगे क्या क्या वो बताऊँगा. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये मोड्स कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं. ठीक है, सो दिस बिकम्स योर रॉ डेटा, दिस बिकम्स योर ग्रुप मोड. ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, अभी ऑब्जेक्ट ड्राॅइंग मोड में जाने के लिए मैंने क्या करना है, जो भी मैं शेप सेलेक्ट करूँगा यहाँ पर, उसके साथ साथ आई विल कम हियर एंड क्लिक ऑन दिस मोड ऑब्जेक्ट ड्राइंग. ठीक है, शॉर्टकट इज जे. ठीक है, सो वंस यू क्लिक ऑन दैट एंड नाउ यू स्टार्ट ड्राइंग द सर्कल, तो अभी क्या होगा कि जब मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो इसके चारों तरफ एक बाउंडिंग बॉक्स आ रहा है. सिमिलरली ऐसा आ रहा है, लेकिन इफ़ यू लुक क्लोजली तो इसका जो कलर है और इसका जो कलर है उसमें फ़र्क है. बाउंडिंग बॉक्स के जो कलर्स हैं दोनों के, उनमें फ़र्क है. जी, है ना, दिस इज़ ब्लू एंड दिस इज़ ग्रीन. जी, ठीक है, तो अब इसमें जो ये वाला मोड है, ये आपका ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड हो जाता है.
ठीक है, तीन चीज़ें। अब इसके बाद मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड का ही मैंने कॉपी लिया यहाँ पर और मैंने इसको राइट क्लिक करा, मैंने इसको बोला कन्वर्ट टू सिंबल, ठीक है, शॉर्टकट इज F8, ठीक है। तो मैंने कन्वर्ट टू सिंबल करा, ये मेरे कन्वर्ट टू सिंबल करने के बाद ये सिंबल मोड में आ गया सिंबल, ठीक है। और तीन टाइप्स मैंने बताए, मूवी क्लिप, बटन और ग्राफिक, मूवी क्लिप, बटन एंड ग्राफिक, ठीक है। तो हमें बेसिकली अभी जो काम करना है वो ग्राफिक सिंबल से हमें मतलब रहेगा सबसे ज़्यादा। सो आई विल सेलेक्ट दिस एंड आई विल रीनेम दिस टू समथिंग लाइक बॉल, ठीक है। और मेरा रजिस्ट्रेशन पॉइंट जो है ये बेसिकली पिवट पॉइंट होता है जिसके चारों तरफ आपको ऑब्जेक्ट टर्न करेगा, घूमेगा, रोटेट करेगा। तो मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ इधर इधर, सेंटर में, बीच में, जहाँ पे भी करना है वॉक कर सकते हो, कॉर्नर में, एंड देन यू से ओके। तो अब इसके भी, इन तीनों के ही आप देखो तो तीनों के ही चारों तरफ बाउंडिंग बॉक्सेस है ना, इसमें नहीं है, ठीक। अब देखते हैं इनका यूज़ क्या है। सो हाउ डू वी यूज़ देम। सो नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रॉ डेटा, तो कोई भी शेप में अगर ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, अच्छा सर मैं ऑब्जेक्ट ड्राइंग में हूँ शायद अभी, ठीक है। सो मैंने ये शेप ड्रॉ करी और यहाँ पे इसका स्ट्रोक हटा दिया मैंने, फिर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा इस तरीके से, फिर मैंने इसका भी स्ट्रोक हटा दिया, ठीक है। अब ये वाली जो शेप है इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया यहाँ पर इस तरीके से, और मैं इसको लेके गया यहाँ पे इसके ऊपर, ठीक है। नाउ अभी क्या है, करेंटली क्या हो रहा है कि नीचे वाला मेरा शेप डीसेलेक्टेड है, ऊपर वाला शेप सेलेक्टेड है, और मैंने एक रॉ डेटा के ऊपर दूसरा रॉ डेटा रख दिया है, ठीक है। नाउ इफ आई एक सेकेंड, मैं इसका एक कॉपी बना लेता हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। नाउ मैंने ये करा और जैसे ही मैं इसको डीसेलेक्ट करूँगा तो वापस सेलेक्ट करूँगा तो देखता क्या हूँ कि ये पूरी शेप एक कंबाइन हो गई है, दोनों शेप्स आपस में इंटरेक्ट कर गई, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, अब इसी के साथ साथ सिमिलरली अगर मैं ऐसे ही रॉ डेटा एक और बनाया मैंने, और अब की बार मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, आई गिव इट सम डिफरेंट कलर, कलर कैन बी एनीथिंग। अब मैंने इसको यहाँ पे रखा इस तरीके से, थोड़ा पोजिशनिंग करी जहाँ पे भी करनी, और फिर मैंने डीसेलेक्ट कर दिया। अब जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको बाहर निकालूंगा यहाँ से, तो इसने इसके अंदर एक होल क्रिएट कर दिया। सो दिस इज, दिस फीचर इज नोन एज शेप इंटरैक्शन, जहाँ पे शेप्स जो हैं हमारी वो आपस में इंटरैक्ट कर जाती हैं, और ये पॉसिबल है केवल रॉ डेटा में, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग में कभी बहुत बार ऐसा होता है कि आपको आपको कुछ कॉम्प्लेक्स शेप निकालनी हो, ठीक है, और आपको अगर आप इसको वैसे बनाने बैठोगे मैनुअली पेन टूल से या किसी भी चीज़ से, बहुत टाइम लग जाएगा, शायद ना भी बने, उतना परफेक्ट ना भी आए, है ना। तो पहले ही, थोड़ा सा पहले ही हम उसको विजुलाइज़ करने के लिए मुझे चाहिए क्या, एक से ज़्यादा शेप से अगर कोई भी चीज़ मिलकर बन रही है तो उसको फिर हम रॉ डेटा के थ्रू डिज़ाइन करना चाहिए। सो रॉ डेटा जो है, आई कैन से कि रॉ डेटा इन एडिशन टू बीइंग एनिमेटेड, मतलब एनिमेटेड उसको एनिमेट करने के साथ साथ मैं इसका जो मेन फीचर है वो डिज़ाइन ओरिएंटेड ज़्यादा है, कि मैं इसको डिज़ाइन करने के टाइम पे बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है, शेप के लिए, कॉम्प्लेक्स शेप्स डिज़ाइन करने के लिए, कोई भी शेप आपको करना हो, तो शेप इंटरैक्शन इसका मेन फीचर है, ठीक है। अब आते हैं ग्रुप मोड पर। तो हमने क्या करा कि भाई ठीक है, मैं रॉ डेटा लिया और मैंने एक और ये सर्कल लिया, सपोज मैंने इसको छोटा करा थोड़ा सा, इसका ये चेंज किया, और मैंने क्या करा इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कर दिया ग्रुप, सिमिलरली इसको भी मैंने ग्रुप कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये जो शेप्स हैं मेरी ये इंटरैक्ट ना करें लेकिन दिखाई दें, एक साथ दिखाई दें, या तो ये इसके नीचे दिखाई दे या इसके ऊपर दिखाई दे, जैसे भी, ठीक है। या सपोज़ करो मैं इसको चाहता हूँ मैं ये इसके ऊपर आ जाता, तो मैंने कहा राइट क्लिक एंड ब्रिंग टू फ्रंट, इसके ऊपर आ गया, ठीक है।
नाउ लेट्स से मैं चाहता हूँ कि भाई ये थोड़ा सा ये इस साइड में रहे और इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, ग्रीन का मैं चाहता हूँ, इसको ग्रीन को मैं चेंज करूँ यहाँ पे, बट ये हो नहीं रहा है, ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज ये ग्रुप मोड में है, तो ग्रुप मोड में कलर चेंज करने के लिए आपको डबल क्लिक करके अंदर जाना पड़ेगा, यहाँ पे देखो सीन वन, डबल क्लिक करके मैं ग्रुप मोड में आ गया अंदर, समथिंग पावर क्लिक कह सकते हैं, सॉर्ट ऑफ यू कैन से, हाँ कंसेप्चुअली वही है, ठीक, तो मैं इसके अंदर आगे डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट करा, अब मैं इसका कलर मॉडिफाई कर सकता हूँ, सो आई कैन डू दैट, ठीक है, ये चीज़ हो गई, है ना। अब देखते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड है यहाँ पे एडवांटेज क्या है, ग्रुप मोड में, ग्रुप मोड में एडवांटेज ये है कि आपकी शेप्स इंटरैक्ट नहीं करेंगी, ठीक है, आप उनका रीऑर्डरिंग कर सकते हो, ऊपर नीचे जैसे भी जहाँ पे भी रखना है वो कर सकते हो, ठीक है। डिसएडवांटेज ये है कि कलर्स अगर आपको चेंज करने या स्ट्रोक वेट चेंज करना है, ठीक है, या कुछ भी ऐसा करना है, तो उसको करने के लिए आपको डबल क्लिक करके अंदर जाना पड़ेगा, तभी वो पॉसिबल है, ठीक। चलो अब आते हैं हमारे ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड पे, जो कि ये, ठीक है, ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड के साथ ये जो एडवांटेज है ग्रुप मोड का कि इंटरैक्ट नहीं करती से, ये तो एडवांटेज इसके साथ भी है, लेकिन जो ग्रुप मोड में डिसएडवांटेज था करके अंदर जाना पड़ेगा, वो इसमें नहीं है, वो इसमें एडवांटेज है कि आपको अंदर नहीं जाना, आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है और यहीं से बाहर से ही आप जो करना चाहते हैं आप आराम से कर सकते हैं। शेप इंटरैक्शन तो इसमें भी नहीं हो रहा है, ये तो एडवांटेज है ही इसका, साथ में आप टाइम सेव कर सकते हैं, फटाफट बाहर से ही काम कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड इज़ अ वेरी रीसेंट डेवलपमेंट, है ना, ये हाँ प्राइमरी वर्जन में नहीं है, नहीं सी एस सिक्स में है ऑब्जेक्ट ड्राइंग, सी एस सिक्स ऑनवर्ड्स आ गया था, सी एस सिक्स से पहले वालों में नहीं है, ठीक है। सो ये उससे पहले हम इसको इस्तेमाल करते थे, अब सिंस ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड आ गया, सो वी डोंट रियली नीड ग्रुप मोड, बट फिर भी कभी कभार अगर जरूरत पड़ती है तो आप उसको यूज कर सकते हो, डिपेंडेंट है कैसे, तो ग्रुप मोड में काम करता है, डबल क्लिक करके टाइम लगता है, मतलब वो हर बार आपको नहीं है कि सीएस3 में इस तरह कर पाए, हाँ सीएस3 ये प्लगइन नहीं है, ये लेट डेवलपमेंट था, है ना, और इसने सारा गेम चेंज कर दिया था एक तरीके से, मतलब एकदम से सब कुछ फास्ट हो गया था, डिजाइनिंग इतनी फास्ट हो गई, खट 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 आप बाहर से ही करते जा रहे हो, शेप्स इंटरैक्ट नहीं कर रही है, बहुत फास्ट हो गया था सारा काम, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं ग्राफिक सिंबल पे, तो ग्राफिक सिंबल का जो यूज है वो देखो क्या है कि इसके अंदर मतलब ये जो है ग्राफिक सिंबल हम तब रेडी करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं जब हमारा डिज़ाइनिंग हो चुकी होती है, अब मुझे उसे एनिमेशन के लिए तैयार करना है, ठीक है। सो एनिमेशन जब तक आप डिज़ाइनिंग में हो, जब तक आपका बैकग्राउंड या जो भी चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हो वो स्टिल रहने वाला है, ठीक है, तब तक आपको सिंबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब तक आप आराम से ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड में रह के बना सकते हो, क्योंकि वो स्टिल ही रहना, कुछ नहीं होना है। बट द मोमेंट यू आर गोइंग टू गेट इन टू एनिमेशन, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टू अ सिंबल, ठीक है। क्या एडवांटेज है इसकी वो देखिए, इसकी एडवांटेज सबसे बड़ी ये है कि अगर मैंने एक ही सिंबल के चार इंस्टेंसेस कॉपी कर दिए हैं यहाँ पर, इंस्टेंसेस मतलब कॉपीज, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें अंदर जाऊँ डबल क्लिक करके, एक बार और डबल क्लिक करा मैंने, ठीक है, और यहाँ पे आके सपोज मैंने इसका कलर चेंज किया, तो आप देख रहे हो सब में अपडेट हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली मीनिंग ये कि अगर सपोज करो एक एनिमेशन प्रोडक्शन पाइपलाइन में मेरा कोई कैरेक्टर है जिसने ब्लू शर्ट पहन रखी है, और मैं तीन शॉट्स में उसको चाहता हूँ कि मेरे तीन शॉट्स में वो ब्लू शर्ट ना पहने, वो अपनी स्कूल की चेक शर्ट पहने, ठीक है,
तो मुझे क्या करना है, मुझे केवल और केवल एक काम करना होगा कि जैसे ही मैं इसको ग्राफिक सिंबल में कन्वर्ट करता हूँ, ये फ्लैश की अपनी एक लाइब्रेरी होती है, ये लाइब्रेरी कंट्रोल एल शॉर्टकट है उसका, उसमें जाके मेरा ये सेव हो जाता है। ठीक है, तो मुझे इसेंशली क्या करना है कि मुझे केवल, सपोज करो ये कैरेक्टर है मेरा एग्जाम्पल, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसकी शर्ट का कलर चेंज करने के लिए सिंपली इसको डबल क्लिक करना है। ठीक है, ये अपनी विंडो में खुल जाएगा और यहाँ पे आके मैं आराम से इसका जो भी मुझे कलर चेंज करना है वो मैं चेंज कर दूँ। बाहर आऊँगा, सीन वन पे क्लिक करूँगा तो वो हर जगह अपडेट होगा। सो इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, है ना, सारा आपका जो प्रोडक्शन पाइपलाइन है उसमें बड़ा आपको बहुत यूजफुल है ये। ठीक है, आपने एक क्लिक करा और सारा सब चेंज होता है। ठीक है, सो इसलिए मैंने बोला कि जब हम एनिमेशन करते हैं तो एनिमेशन में सबसे पहली रिक्वायरमेंट हो जाती है कि हमें उसे सिंबल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, जब तक हम डिजाइनिंग में हैं तब तक हम इनसे काम कर सकते हैं। सिंबल डिजाइन करने के बाद सिंबल में कन्वर्ट करना ही है। ठीक है, सो ये आई होप ये क्लियर हो गया। ओके, अब देखते हैं आगे कि सिंबल को हम और कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से यूज कर सकते हैं। लेट्स सी, तो अब मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया इस तरीके का। ठीक है, और इस सर्कल को मैंने राइट क्लिक करा, कन्वर्ट टू सिंबल। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसको दिया एक नाम, दे दिया ब्लू बॉल। ठीक है, टाइप ग्राफिक, लाइब्रेरी रूट फोल्डर पूछ रहा है वो, फोल्डर लाइब्रेरी में आप बना सकते हो। ठीक है, मैं नहीं बना रहा, तो ये यहाँ पे जाके ब्लू बॉल की तरह सेव हो गया। ठीक है, ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज, एनिमेट करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ होती है कि एनिमेशन तभी पॉसिबल है जब एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाए, है ना, मूवमेंट तभी तो होता है ना जब पॉइंट ए से आप पॉइंट बी जाते हो, दैट इज व्हेन द मूवमेंट हैपेंस, राइट। सो हियर इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, कि मैं, ये मेरा पोजीशन ए है। ठीक, उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे ये लेयर मेरा एक्स्ट्रा इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे कुछ फ्रेम्स सेलेक्ट करे, सपोज 20 फ्रेम सेलेक्ट करे, और यहाँ पे राइट क्लिक करा एंड आई से इंसर्ट फ्रेम। तो ये मैंने रेंज डिफाइन कर दी अपनी कि मेरा एनिमेशन 20 फ्रेम्स लॉन्ग होने वाला है। ठीक है, या लेट से कि भाई मेरा एनिमेशन जो है वो 0.6 सेकंड्स का होने वाला है। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने क्या करा, इसका पोजीशन बी डिफाइन करा। वो कैसे करूँगा, वो यहाँ पे राइट क्लिक करना है आपको और इंसर्ट की फ्रेम करना है। ठीक है, तो इसेंशली अभी क्या हो रहा है कि मेरा पॉइंट ए और पॉइंट बी इस समय पर सेम है। देखो कोई मूवमेंट नहीं है ना, पॉइंट ए भी वही है, पॉइंट बी भी वही है। मूवमेंट कब आएगा, जब मैं इसको इधर से इधर मूव करूँगा, है ना, तभी तो आएगा मूवमेंट। पॉइंट बी हमारा यहाँ पे आएगा, पॉइंट बी मेरा यहाँ पे। अब मैं ये चाहता हूँ कि बी पॉइंट पे किया, ठीक है। सो अब क्या है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो बी पॉइंट है, इसके बाद मेरी जो बॉल है वो वापस लौट के पोजिशन ए पे आए, जस्ट लाइक अ बाउंस। ठीक है ना, एक बॉल मैं बाउंस करा रहा हूँ ज़मीन पे। ठीक है, तो जहाँ से स्टार्ट करा रहा हूँ बाउंस, वो वहीं टप्पा खा के वापस वहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने जैसे बोला कि वहीं आनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, पोजिशन ए जो है, पोजिशन बी अलग हो गई बाउंस जहाँ पर उसे टच करा फ्लोर पर, और पोजिशन सी जो है मेरी वो पोजीशन ए ही है एक्चुअली, है ना। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, इसका कॉपी क्रिएट होगा ऑल्ट ड्रैग करके। मैंने क्या करा, यहाँ पे 20 फ्रेम्स का मैंने लगाया था, 40 फ्रेम्स पे जाके इसको कोई भी चीज़ अडोबी के किसी भी सॉफ्टवेयर में कॉपी करते हैं तो ऑल्ट ऑल्ट से ही होता है, ऑल्ट ड्रैग से होता है, तो वही कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा पोजिशन ए, पोजिशन बी, एंड देन इट कम्स बैक टू पोजिशन ए, या यू कैन से कि ये पोजीशन सी है। ठीक है, हो गया।
अब लेट्स से कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे तीनों फ्रेम्स कैसे दिख रहे हैं. सो आई कैन बेसिकली कम डाउन कम अप हेयर एंड दिस इज अनियन स्किन. तो अनियन स्किन अगर मैं ऑन करूँगा तो यहाँ पे ये कुछ ब्रैकेट्स टाइप के आते हैं, इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ जस्ट लाइक दैट एंड आई कैन सी कि मेरा जो ये वाला ड्राइंग है इसके बाद नेक्स्ट ड्राइंग कहाँ आ रहा है वो ये आ सकता. ठीक है, सो अनियन स्किन का ये फायदा है. ठीक, बिना रन करे हम यहीं पे चेक कर सकते हैं, यहीं पे देख सकते हैं कि मैंने ड्राइंग्स कहाँ पे लगाए हैं. ठीक है भाई, सीधी सी बात है, अगर सपोज करो मैं ये जो मेरा ड्राइंग सी है अगर ये थोड़ा सा मैं लेफ्ट में कर देता है ना, अनियन स्किन ऑन करता तो मेरे को तुरंत नज़र आ जाता कि मेरा एक ड्राइंग इधर है, एक ड्राइंग इधर है, लेकिन सी ड्राइंग इधर है, गलती हो रही है. सो आई कैन करेक्ट इट. ठीक है, तो आगे के और पीछे के फ्रेम्स देखने के काम आता है. ठीक, अब इसके बाद जो हमने काम किया वो क्या किया, हमने इसके बीच में, क्योंकि अभी अगर मैं एनिमेशन प्ले करूँगा तो ये ऐसा आ रहा है जर्की एनिमेशन. इसको मैं स्मूथ करने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करा और बोला क्रिएट क्लासिक ट्वीन. ठीक है, क्रिएट क्लासिक ट्वीन. तो जब क्रिएट क्लासिक ट्वीन करा और उसके बाद अनियन स्किन ऑन करके देखता हूँ मैं, तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि वो यहाँ से यहाँ तक के बीच के फ्रेम्स अपने आप जनरेट कर रहा है. ठीक है, एंड देयर बाय इट इज गिविंग अस सम स्मूथ मूवमेंट. ठीक है, क्लियर हुआ है. अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है बड़ा इम्पोर्टेंट. वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी ग्रेविटी का बेसिक रूल है ना, कि कोई भी चीज़ अगर ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ेगी. ऊपर से नीचे की तरफ से आ रही है, ग्रेविटी अपनी तरफ पुल कर रही है किसी भी चीज़ को, है ना. तो जिस जगह से वो स्टार्ट करा है उसने, और जैसे जैसे वो ग्रेविटी के नज़दीक आएगी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी. होता है ना, कोई भी चीज़ आप गिराओ तो तेज़ी से गिरती है ना. अच्छा, और जैसे ही वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगी तो उसकी स्पीड स्लो हो जानी है. सीधी बात है, मैं बॉल ऊपर फेंकूँ अगर, है ना, तो जितनी तेज़ी से मैंने मूवमेंट यहाँ से दिया है वो ऊपर जाते 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 एक लेवल पर जाके स्लो हो जाएगी और फिर नीचे आ जाएगी वापस. तो यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लेके चलना है कि मैं अगर यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये मेरा ड्राइंग पोजीशन ए है, ये मेरा पोजीशन बी है, ठीक है, इसके बीच का ड्राइंग ये है, ठीक है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, ठीक है. उसके बाद जहाँ से मेरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ है यानी कि ऊपर से, यहाँ पे मेरे ड्राइंग्स ज़्यादा होने चाहिए, मीनिंग कि वहाँ से मेरा जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो ज़ीरो से मूव करके लेट्स से कि 100 तक जा रही है ना. और फिर जब यहाँ से ये वापस जाएगी ऊपर की तरफ, तो टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ पे फिर वही केस रिपीट होगा, लेकिन अब की बार ये ऊपर जा रहा है ना. दोनों ही केसेस में ड्राइंग्स ज़्यादा जो लगेंगी वो यहाँ पे लगेंगी ऊपर, बिकॉज यहाँ पे स्पीड स्लो होनी. सो अनदर पार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट इज कि जहाँ पे आपको स्पीड स्लो दिखानी है वहाँ पे ड्राइंग ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है, अच्छा, इसको भी फ्लैश के थ्रू ही हम कंट्रोल कर सकते हैं. फ्लैश हमें कैपेबिलिटी दे देता है, कैसे वो देखते हैं. यहाँ पे देखो आप, अब अभी फ़िलहाल जो मेरे को दिख रहा है वो दिस इज इक्वल स्पेसिंग, है ना, सारी ड्राॅइंग्स इक्वली स्पेस्ड है. अगर मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ट्वीनिंग का एक ऑप्शन मिलता है आपको. ट्वीनिंग में आपको ये एक नंबर स्लाइडर दिखता है ज़ीरो करके, इसको अगर मैं लेफ़्ट की तरफ पुश करूँगा यानी कि -100, तो यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है, ऊपर ड्राइंग ज़्यादा होगी, मीनिंग यहाँ पे वही ग्रेविटी का अभी रोल आने लग गया. ठीक है, अच्छा, सिमिलरली मेरे को यहाँ से जब ये वापस जाएगा ऊपर,
तो मेरे को फिर से चेंज करना है इसको, ठीक है। तो मैंने अब क्या करा, मैं इधर जाने की बजाय मैं इधर गया, ठीक है, इज आउट, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वही हुआ, ड्राइंग्स ऊपर ज़्यादा आने पास पास। लेट्स प्ले, ठीक। अब एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक। अब मैं इसको प्ले कराना चाहता हूँ थोड़ा सा फास्ट, ठीक है। मैंने बोला है मैं फास्ट प्ले कराना चाहता हूँ, मतलब ऑलरेडी मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका टाइमिंग कम करना चाहता हूँ। कोई भी चीज़ तेज़ चलेगी तो मतलब जल्दी ख़त्म हो जाएगी ना, है ना। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और लेट्स सेलेक्ट फ्यू फ्रेम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रॉबेबली, और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे बोलते हैं रिमूव फ्रेम्स, ठीक है। तो टाइमिंग कम हो गई, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ इस केस में, देखिए क्या होता है कि यहाँ टाइमिंग देख के ही समझ में आ रहा है इस जगह पे कि ये जल्दी नीचे आएगा और ये थोड़ा सा देर में ऊपर जाएगा, ठीक है। ठीक, अगर मैं जितने फ्रेम्स यहाँ पे रिमूव करे थे उतने ही फ्रेम्स मैं यहाँ पे भी रिमूव कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Shift F5 बेसिकली शॉर्टकट होता है रिमूव फ्रेम्स करने का, ठीक है। आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो रिमूव फ्रेम्स, वो भी वही। सो लेट्स सी नाउ, टाइमिंग फास्ट होगी, बाउंस जल्दी जल्दी हो रहा है, ठीक है। अब हम एक काम और कर सकते हैं, मतलब वो टाइमिंग तो आप पर्सनल एक प्रेफरेंस होती है कि हमें कितना रिमूव करना है, क्या करना है। ठीक, डन। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो सिंबल का यूज़ कितना अच्छा है, आई कैन री यूज दिस एनिमेशन नाउ। हाउ, मैंने एक जगह पे एनिमेशन बना लिया, नाउ लेट्स से आई वांट कि मेरा ये एनिमेशन प्ले होता हुआ, बाउंस करता हुआ अक्रॉस द स्क्रीन जाए, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो देखिए, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ये तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ एट वन प्लेस, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, इस पे लेयर पे सेलेक्ट करा, मैंने राइट क्लिक करा और बोला कॉपी फ्रेम्स, ठीक है। और फिर हम लाइब्रेरी में गए जहाँ पे हमारा वो सेव्ड है, यहाँ पे जाके ऑप्शंस में गए, यहाँ पे लाइब्रेरी पैनल ऑप्शंस में, और मैंने इसको बोला न्यू सिंबल, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ अक्रॉस अक्रॉस बोल देता हूँ, ओके, ठीक है। अब मैं क्या हूँ, मैं अक्रॉस सिंबल के अंदर हूँ इस समय पर, यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली सिंबल है। तो मैंने जो वो लेयर सेलेक्ट करी थी, कॉपी करा था, उसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा एक बार और बोलूँगा राइट क्लिक एंड देन आई विल से पेस्ट फ्रेम्स, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरा वो पूरा का पूरा एनिमेशन यहाँ अंदर आ गया, डन, एनी प्रॉब्लम, ओके। नाउ आई विल कम आउट, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो मेरा अक्रॉस वाला एनिमेशन इधर है, ठीक है, ये इधर है सेव्ड। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट अ न्यू लेयर, आई विल सेलेक्ट दिस एंड कीप इट हियर, ठीक है। तो अभी बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे वो पूरा का पूरा एनिमेशन बाहर ही मैं देख रहा हूँ और यहाँ पे वो पूरा का पूरा एनिमेशन इस सिंबल के अंदर है। डबल क्लिक करके अंदर जाऊंगा तो यहाँ दिखेगा, ठीक है। प्ले करूंगा तो दोनों ही चीज़ें एक ही कर रहा है काम, ठीक है। लेकिन मैजिक कहाँ पे होना स्टार्ट होता है, जब मैं
इसको यहाँ पे रखता हूँ और अब फिर से इसका एक F6 बनाता हूँ, यानी कि इंसर्ट की फ्रेम, और इसका मैं पोजीशन चेंज कर देता हूँ टू पोजीशन B, ठीक है। तो अब ये देखो क्या हो रहा है, इधर बाउंस कर रहा है वो, उसके बाद जैसे ये प्लेहेड आपका इधर आता है तो ये एकदम यहाँ मौजूद है, ठीक है। बट नाउ इफ आई जस्ट राइट क्लिक एंड से क्रिएट क्लासिक ट्री, सो व्हाट विल हैपन इज इट विल गो लाइक दैट। तो मैंने क्या करा, मैंने एनिमेशन को रीयूज कर लिया है ना, जो मैंने एक जगह पे एनिमेशन बनाया था है ना, केवल वो बनाना है मेरे को, फिर बाहर आके उसको कॉपी करके एक नए सिंबल में डालना है, वो नया सिंबल प्लेस करना है और फिर उसका पोजीशन चेंज करके उसमें क्लास टू दे देना, ठीक है। तो एनिमेट सीसी क्या कर रहा है, वो इसको तो प्ले कर ही रहा है, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक तो एनिमेशन दे ही रहा है वो, और अंदर का भी प्ले कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अब इतने फ्रेम्स मैंने और बढ़ा दिए आगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक F6 दिया, क्रिएट क्लासिक टू, इसको मैंने फिर आगे मूव करा दिया और अब की बार इसको थोड़ा सा नीचे भेजा, ठीक है। तो क्या ऐसा लगेगा, ये गया ये गया, जैसे कुछ स्टेयर्स पे से होके जा रहा हो, इसको मैं बाहर मूव कर दिया, ऊपर मूव कर दिया, तो ये आया यहाँ पे गया। कर सकते, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका आर्क और बेटर कंट्रोल करना है अगर, इसको हम और नीचे देख सकते हैं, तो क्योंकि जब वो नीचे जाएगा तो स्पीड भी पकड़ेगा, अब आप देख रहे हो कि स्पीड भी वो अपने आप लेगा, ठीक है। तो सिंबल्स का यूजेज ये है, आप बताओ मेरे को ये क्लियर हुआ या नहीं।